हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज स्पेशल क्लीनलीनेस एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेफ स्ट्रेटेजी फॉर ट्रेकोमा कंट्रोल। ट्रेकोमा कंट्रोल के लिए जो हम स्ट्रेटेजी यूज में लेते हैं वो है हमारी सेफ स्ट्रेटेजी। इसके अंदर जो हमारा एफ है उसका मीनिंग है फेशियल क्लीनलीनेस। तो यहाँ पर हमसे यह पूछा गया है कि इस कंपोनेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। ऑप्शन ए, इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइकेसिस। ऑप्शन बी, इट रिड्यूसेस द ट्रांसमिशन ऑफ क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस। ऑप्शन सी, इट प्रमोट द हीलिंग ऑफ कॉर्नियल स्कैरिंग। ऑप्शन डी, इट इज अ प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट अदर ऑक्युलर डिजीज। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी। ट्रेकोमा कंट्रोल के लिए जो हमारी सेफ स्ट्रेटेजी है उसके अंदर फेशियल क्लीनलीनेस का इंपॉर्टेंट है। यह क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस जो है उसके ट्रांसमिशन को रिड्यूस करता है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि यह जो सेफ स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है। सबसे फर्स्ट हमारा एस है, एस का मतलब होता है सर्जरी, सर्जरी टू ट्रीट द ब्लाइंडिंग स्टेज ऑफ द डिजीज। नेक्स्ट आता है हमारा ए, जिसका मतलब है एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स टू क्लियर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को क्लियर करने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती है। उसके बाद आता है हमारा फेशियल क्लीनलीनेस एंड हैंड हाइजीन टू हेल्प रिड्यूस ट्रांसमिशन, जो कि हमें क्वेश्चन में भी पूछा गया था। फेशियल क्लीनलीनेस जरूरी है ट्रांसमिशन को रोकने के लिए। इसके बाद आता है हमारा ई, यानी कि एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट फॉर एक्सेस टू वाटर एंड सैनिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सिम्टम ऑफ रेटाइनल डिटैचमेंट। निम्न में से कौन सा रेटाइनल डिटैचमेंट का कॉमन सिम्टम है? ऑप्शन ए, सडन ऑनसेट ऑफ फ्लॉटर्स एंड फ्लैशेस ऑफ लाइट। ऑप्शन बी, इंक्रीज्ड टीयर प्रोडक्शन। ऑप्शन सी, रेडनेस एंड इचिंग ऑफ द आई। ऑप्शन डी, ग्रेजुअल लेस ऑफ पेरिफेरल विजन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए। हमें यहाँ पर कॉमन सिम्टम पूछा गया रेटाइनल डिटैचमेंट का, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, सडन ऑनसेट ऑफ फ्लॉटर्स एंड फ्लैशेस ऑफ लाइट। यह सिम्टम हमें इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि रेटाइना और विट्रस बॉडी ऑफ द आई जो होती है उसके अंदर चेंजेस होते हैं, इसीलिए हमें फ्लॉटर और फ्लैशेस ऑफ लाइट रेटाइनल डिटैचमेंट की कंडीशन के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर वैसेक्टोमी टिल हाउ मेनी मंथ्स पर्सन विल यूज बैरियर मेथड। वैसेक्टोमी करवाने के बाद भी कितने मंथ्स तक पर्सन को जो है वो बैरियर मेथड यूज में लेना होता है? ऑप्शन ए, 3 to 4 weeks। ऑप्शन बी, 12 to 16 weeks। ऑप्शन सी, 7 to 8 weeks। ऑप्शन डी, 20 to 24 weeks। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, 12 to 16 weeks। अगर मंथ्स की बात करते हैं तो यहाँ पर रहता है हमारा 3 month तक जो है उन्हें बैरियर मेथड भी यूज में लेना होता है। वैसेक्टोमी जो है वो है हमारा परमानेंट फॉर्म है मेल कॉन्ट्रासेप्शन का। हमने कॉन्ट्रासेप्शन जब भी पढ़ा है तब टेम्प्रेरी और परमानेंट मेथड दोनों पढ़े हैं। परमानेंट के अंदर जो मेल के अंदर यूज में लिया जाता है वो है हमारा वैसेक्टोमी। इसी के साथ ही ट्यूबेक्टोमी जो होता है वो फीमेल परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन है। आफ्टर द प्रोसीजर, यानी कि वैसेक्टोमी के बाद, मेन मस्ट यूज अल्टरनेटिव कॉन्ट्रासेप्शन एग्जाम्पल कंडोम्स फॉर अबाउट 3 months अंटिल ए स्पर्म एनालिसिस कंफर्म द एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन द सीमन। यानी कि वैसेक्टोमी करवाने के बाद भी क्या होता है कि 3 month तक अल्टरनेटिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज में लेना होता है। एग्जाम्पल के लिए कंडोम यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद हम स्पर्म का एनालिसिस कराते हैं। जब यहाँ पर स्पर्म जो है सीमन के अंदर एब्सेंस होंगे तो हमारा सर्जरी जो है वो सक्सेसफुल माना जाएगा। ए पोस्ट वैसेक्टोमी स्पर्म काउंट इज जनरली परफॉर्म्ड आफ्टर 8 to 12 weeks टू कंफर्म सक्सेस। पोस्ट वैसेक्टोमी भी स्पर्म काउंट किया जाता है, वो कब किया जाता है? 8 to 12 weeks में किया जाता है फॉर कंफर्म द सक्सेस ऑफ द सर्जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट प्रेजेंट्स विद ए सडन सीवियर हेडेक एंड नेक स्टिफनेस, इमेजिंग रिवील्स अ बैरी एन्यूरिज्म इन द सर्कल ऑफ विलिस, व्हाट टाइप ऑफ एन्यूरिज्म इज दिस। एक पेशेंट है जो कि सडन सीवियर हेडेक और नेक स्टिफनेस की कंप्लेन के साथ प्रेजेंट हुआ है। इमेजिंग अगर हम इनकी करवाते हैं तो यहाँ पर बैरी एन्यूरिज्म जो है वो सर्कल ऑफ विलिस में पाया गया है, तो हमें यहाँ पर यह पूछा गया कि यह किस टाइप का एन्यूरिज्म है। ऑप्शन ए, फ्यूसीफॉर्म एन्यूरिज्म। ऑप्शन बी, सर्कुलर एन्यूरिज्म। ऑप्शन सी, डिसेक्टिंग एन्यूरिज्म। ऑप्शन डी, माइकोटिक एन्यूरिज्म। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, सर्कुलर एन्यूरिज्म। चलिए अब हम देख लेते हैं एन्यूरिज्म के बारे में। सर्कुलर एन्यूरिज्म जो होता है इसे हम बैरी एन्यूरिज्म भी कहते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ एन्यूरिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय लोकलाइज्ड सैक लाइक बल्जिंग और आउटपाउचिंग ऑफ द वेसल वेल। यहाँ पर क्या होता है, इस टाइप के एन्यूरिज्म में लोकलाइज्ड और सैक लाइक जो होता है बल्जिंग आउट हो जाती है वेसल वॉल, या फिर आउटपाउचिंग देखने को मिलती है, तो वो हमारा सेक्युलर एन्यूरिज्म होता है। मोस्ट कॉमनली अगर हम इसकी बात करते हैं तो यह हमें सेरिब्रल आर्टरीज के अंदर देखने मिलती है, और वो भी पर्टिकुलरली सर्कल ऑफ विलिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी मेथड ऑफ डायग्नोसिंग मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम को डायग्नोस करने का प्राइमरी मेथड क्या है? ऑप्शन ए, जीनेटिक टेस्टिंग फॉर FBN1 म्यूटेशन।
ऑप्शन बी एक्सरे ऑफ द चेस्ट, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ऑप्शन डी ब्रेन एमआरआई। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ई जेनेटिक टेस्टिंग फॉर FBN1 म्यूटेशन। चलिए अब हम देख लेते हैं कि मार्फन सिंड्रोम क्या है। मार्फन होता है, इसका कॉज है म्यूटेशन इन द FBN1 जीन, जो कि हमने क्वेश्चन में भी देखा है। विच कॉल्स फॉर फिब्रिलिन 1, ए प्रोटीन इसेंशियल फॉर द स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी को मेंटेन करने के लिए जो प्रोटीन जरूरी होता है वही यहाँ पर अफेक्ट हो जाता है। इसीलिए एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है एग्जाम में कि मार्फन सिंड्रोम के अंदर कौन से टिश्यूज अफेक्ट होते हैं, तो वहां पर हमारा आंसर रहेगा कनेक्टिव टिश्यू। मार्फन सिंड्रोम के अंदर मेनली जो अफेक्ट देखने को मिलता है वो होता है हमारा हार्ट, बोन्स, आईज और ब्लड वेसल पर इसका अफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पोजिशन ऑफ द हेड ऑफ द फिटस ड्यूरिंग +1 स्टेशन विल बी। फिटस का जो हेड का पोजिशन है वो +1 स्टेशन पर है। ऑप्शन ए बिलो इश्चियल स्पाइन, ऑप्शन बी अबव इश्चियल स्पाइन, ऑप्शन सी जस्ट अबव द पेल्विक इनलेट, ऑप्शन डी एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए बिलो इश्चियल स्पाइन। अगर हमें यहाँ पर जो स्टेशन प्लस के अंदर दे रखे हैं यानी कि बिलो इश्चियल स्पाइन है, वही अगर माइनस के अंदर दे रखे होते तो यह अबव इश्चियल स्पाइन के अंदर हमारा रीडिंग जाता है। चलिए अब हम इस कॉन्सेप्ट को जो है क्लियर कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे यह है हमारी इश्चियल स्पाइन। अगर इस स्पाइन के ऊपर की ओर कोई रेंज जा रही है यानी कि -1 से -5 के ऊपर जा रहा है तो वो हमारा अबव द इश्चियल स्पाइन कहलाता है, और वहीं अगर +1 से +5 के बीच में रेंज है हमारी तो वह बिलो इश्चियल स्पाइन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द केज एक्रोनिम स्टैंड फॉर इन द कैच क्वेश्चनरी। कैच क्वेश्चनरी जो होती है उसके अंदर कैच एक्रोनिम जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या है यह पूछा गया है हमें। ऑप्शन ई क्रेविंग एब्यूज गिल्ट एंड एक्सेस, ऑप्शन बी कट डाउन एनॉयड गिल्ट और आई ओपनिंग, ऑप्शन सी कंप्लेन एल्कोहलिज्म जनरलिटी एक्सपीरियंस, ऑप्शन डी कंट्रोल अवेयरनेस जनरल और एक्सेसिव। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी कट डाउन एनॉयड गिल्ट और आई ओपनिंग। कैच क्वेश्चन है, इसके अंदर हर एक लेटर रिप्रेजेंट करता है उसके अंदर जो क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है उसको। यह केज क्वेश्चनरी हमें हेल्प करती है अल्कोहल यूज डिसऑर्डर जो होते हैं उन्हें स्क्रीन करने के लिए। इसके अंदर आपने देख ही लिया है और क्वेश्चन में भी कट डाउन एनॉयड गिल्ट और आई ओपनिंग इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पोजिशन कैन रिलीव द कंप्रेशन ऑफ द इंफेरियर वेना कैवा बाय द ग्रेविड यूट्रस ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी वाले स्टेज के अंदर क्या होता है, ग्रेविड यूट्रस की वजह से कंप्रेशन होता है इंफेरियर वेना केवा, तो हम इसे कौन सी पोजीशन के साथ रिलीव कर सकते हैं। ऑप्शन ए सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन बी प्रोन पोजीशन, ऑप्शन सी लेफ्ट लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन, ऑप्शन डी सिटिंग पोजीशन। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी लेफ्ट लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन। लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड रिलीव्स द कंप्रेशन ऑफ द इंफेरियर वेना केवा बाय द यूट्रस इंप्रूविंग वेनस रिटर्न एंड प्रिवेंटिंग सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है कि सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम डेवलप होने के चांसेस रहते हैं, और इसे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं लेफ्ट साइड पोजीशन के लिए पेशेंट को एडवाइस करते हैं। इस पोजीशन के अंदर क्या होता है हमारा जो इंफीरियर वेना केवा है उसके ऊपर से प्रेशर रिलीव होता है, इसी के साथ ही वेनस रिटर्न जो होता है वो भी इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ DMPA। DMPA के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमारा करेक्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा। ऑप्शन ए इट इज गिवन एज ए पिल डेली, ऑप्शन बी इट इज एडमिनिस्टर्ड एज एन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एवरी 3 मंथ्स, ऑप्शन सी इट इज अप्लाइड एज ए पेच एवरी 3 मंथ्स, ऑप्शन डी इट इज एडमिनिस्टर्ड एज ए सबक्यूटेनियस इंजेक्शन एवरी 6 मंथ। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी इट इज एडमिनिस्टर्ड एज एन इंट्रामस्कुलर एवरी 3 मंथ। चलिए अब हम देख लेते हैं DMPA का फुल फॉर्म क्या है। DMPA का मतलब है डिपोर्ट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसिटेट। इट इज गिवन एज एन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एवरी 3 मंथ फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन के लिए हम इंजेक्शन जो होता है इसका IM एडमिनिस्टर करते हैं, एवरी 3 मंथ इसे एडमिनिस्टर किया जाता है। क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स फॉलोइंग इज एट द टॉप ऑफ द पायरामिड। मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स के अंदर हम टॉप ऑफ द पायरामिड पे कौन सी नीड को देखते हैं। ऑप्शन ए लव एंड बिलोंगिंग, ऑप्शन बी सेफ्टी नीड्स, ऑप्शन सी फिजिकल नीड्स, ऑप्शन डी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी। अगर टॉप लेवल की बात करते हैं तो वहां पर आता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। चलिए अब हम देख लेते हैं मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स। इसमें आप सबसे नीचे देख रहे होंगे जिसके अंदर आती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है सेफ्टी, थर्ड नंबर पर है लव एंड बिलोंगिंग्स, उसके बाद आता है सेल्फ एस्टीम, और उसके बाद है टॉप लेवल पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन।